डब्ल्यूओ खजाने का दावा लेकर चर्चा में आए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के डोंडीखेड़ा गांव में राजा राव रामबक सिंह के किले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई शुरू कर दी है। खुदाई का काम दोपहर 12 बजे से जारी है। अयोध्या में महासंकल्प दिवस के आयोजन को रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी कार्यवाही को तेज कर दिया है। अयोध्या पहुंचने की कोशिश में पुलिस ने बीजेपी और विहिप के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोलगेट मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि कोलगेट में पीएम सीधे सीधे शामिल है और उन्हें भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर कर सीबीआई को ओडिशा में हिडाल्को को कोयला ब्लॉक आवंटन करने संबंधी एफआईआर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम शामिल करने के निर्देश करने की मांग की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली को रोकने के लिए दाखिल की गई दोनों पीआईएल खारिज कर दी गई है। ये पीआईएल कानपुर और चेन्नई में होने वाली रैलियों के लिए थी। नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के बार बार उल्लंघन पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आज कहा कि केंद्र द्वारा इस मुद्दों पर पाकिस्तान के समक्ष कड़े ढंग से उठाए जाने की जरूरत है। अमेरिका में सरकारी कामकाज बंद होने के कारण पेंटागन में 600 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 16 दिन की उत्पादकता के नुकसान के कारण ऐसा हुआ, जिसमें रक्षा विभाग के 4,00,000 नागरिक कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए थे। शतक के बादशाह सचिन तेंदुलकर अपने आखिरी दो टेस्ट मैचों में सैकड़े जमाने में सफल रहे तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने कुल रनों की संख्या 1,000 के पार भी पहुंचा सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण नंबर 1 पर हैं। सर्वे के दौरान शाहरुख खान ने सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और जॉन अब्राहम को कड़ी टक्कर देते हुए पहले पायदान हासिल किया। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।